जी गुड इवनिंग नीरज आनंद वैजंती गजानन रशिका शिवशाही गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू एक बार बस इतना कन्फर्म कर देना ऑडियो वीडियो में तो कोई इश्यू नहीं आए। किशन गुड इवनिंग जी एक बार कंफर्म करोगे ऑडियो एंड वीडियो अच्छा नरेश कोई नहीं ऑडियो वीडियो क्लियर है थैंक यू किशन ओके ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको स्टार्ट करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो रिवाइज किया होगा यस शुरू में टारगेट ऐसा आज ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं होगी थैंक यू आज ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं होगी और आज करीब करीब तीस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन मैंने स्टडी बेस ले रखा है मतलब आपका केस बेस स्टडी ले रखा है ठीक है सर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा एक मिनट में आपको टाइम दूंगा मैं आपको टाइम दूंगा और आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा एक मिनट में आपको जवाब देना पड़ेगा हाँ सर हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरी भी होगा न्यूमेरिकल भी होगा पूरी कोशिश है कि आपका जो स्टडी मैट है ना वहां से क्वेश्चन उठाया गया सर सारे रिवीजन वीडियो आएंगे कि हां जी मैं चौबीस के लिए सारे रिवीजन वीडियो आएंगे अब हम बेकार बात नहीं करेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं okay. ओके पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने सर टाइम भी रहेगा कि हाँ जी टाइम भी दूंगा ओके okay, सर एक मिनट का टाइम दूंगा एक बार पढ़ो बैठे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हम टाइम पास नहीं करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पोर्टफोलियो टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी टर्न आउट रिस्क लेस रिस्क लेस कब होगा आंसर चाहिए जल्दी से पढ़ोगे ए बी सी डी आंसर राम कुमार का आंसर है सी वेजंती का आंसर है सी सर एक मिनट खत्म हो गया क्या नहीं बहुत सारे बच्चों का आंसर है सी नितेश सी राम आनंद सी वाओ गुड मजा आ गया पहला आंसर आ रहा है सी सर वजह क्या एक बार देखिए क्या सी और हमने पोर्टफोलियो मार्कोविट्स में पढ़ा हुआ है ओके सर टाइम क्लोज हो गया हाँ जी हमने मार्कोविट्स में पढ़ा हुआ है सबका आंसर सी है किसी का भी अलग नहीं है सबका आंसर सी है मजा गया। sir, आ गया सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए बेटे पहला आंसर सबका आ गया सी क्योंकि हमने मार्कोविट्स में पढ़ा था दो सिक्योरिटी जो रिस्क की है उसका रिस्क कम कब कैसे कर सकते हैं जब आपस में कोरिलेशन क्या है नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है विकास का कहना सर परफेक्ट नेगेटिव है तो जो रिस्क है ना वो जीरो हो सकता है बिल्कुल सही पर जितना नेगेटिव होगा रिस्क जीरो होगा मजा आए चले अगला क्वेश्चन सर टाइम स्टार्ट हो रहा अब एक मिनट का टाइम है सर एक मिनट इसको थोड़ा ज्यादा करो हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ दो तो मिनट का टाइम है क्वेश्चन में रीड करूंगा आपके लिए अब बेटे अब दिमाग चलाना पड़ेगा सर पोर्टफोलियो है थ्री सिक्योरिटी है ए बी सी ठीक है सर ये क्या है ये कोरिलेशन का साइन है ए और बी के बीच में कोरिलेशन है पॉइंट फोर ए सी के बीच में और बी सी के बीच में कोरिलेशन बता दिया क्वेश्चन नंबर टू का आंसर चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ए का भी दिया है बी का भी दिया है सी का भी दिया और वेट्स भी दे रखा है सर मांग क्या रहा मांग रहा है कोवेरियंस ए और बी के बीच में कोवेरियंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए दो मिनट का टाइम दिया हूं मैंने आपको आराम से सोचो आराम से पहले का आंसर सबका सही है इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मानूंगा बिट्टे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सर कोवेरियंस किस, -किस के बीच में ए और बी के कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सोचो हाँ जी टाइम बीतते जा रहा है ए कुनाल डी सौरभ ए डी अमन का आंसर है थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स अधिकतर कुछ बच्चों का सी भी आंसर आ रहा है सी ए थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स अभिषेक गुप्ता अमन का भी थान्र... वापस रिया सी टाइम खत्म हो गया क्या अभी भी है टाइम है सोलह सेकंड पंद्रह सेकेंड टी आई सी शिल्पा सी शिल्पा ए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सी पर पता नहीं क्या फॉर्मूला सर टाइम क्लोज हो गया यस yes. टाइम क्लोज हो गया सर कोवेरस का फॉर्मूला क्या होता था सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ़ ऑफ़ ए बी ये फॉर्मूला होता था हाँ सर तो सर ए और बी का क्या स्टैंडर्ड एविशन दिया है हाँ सर नाइन सर स्टैंडर्ड एविशन बी का कितना दिया है इलेवन और ए और बी के बीच में कोरिलेशन क्या है का मिल जाए मिल गया पॉइंट फोर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा कैलकुलेटर मेरे पास है क्या यस yes. सर थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स करेक्ट आंसर है सी ओके सॉरी सी आई डिड नॉट सी थ्री 39.6 सिक्स सर तुक्के में सी आया विवेश तुक्के में सी लाओगे तो कैसे करोगे तुक्का नहीं लगा सकते हम लोग करेक्ट सर अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन होगा थियरी वाला उसमें एक मिनट का टाइम मिलेगा आपको ओके okay. सर टोटल मिलाकर आज कितने क्वेश्चन करने वाले आज तीस क्वेश्चन करेंगे आ, थोड़े और अभी आज पहली क्लास है ना थोड़ा समझ में तो आ जाए एम में कितने एक्सपर्ट हो आप ओके okay, सर अगला क्वेश्चन खुद से पढ़ो और टाइम स्टार्ट हो गया खुद से पढ़कर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर मनु गोयल सी तिवाली बी अभिषेक सी आनंद सी रिया सी वाओ इतने सारे मतलब सर ये भी तुक्का हुआ क्या सर टाइम दे दो टाइम दे दो सी 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 सर सर हमको नहीं चाहिए एक मिनट यार कहा बात कर हम इसके लिए एक मिनट थोड़ी दिन खर्च करेंगे ओह बी ज्यादातर बच्चों का आंसर सी है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं इतना सारा आंसर सी आया ओके सर बात खत्म टाइम ओवर सर एक बार देखें हाँ जी दिस टाइप ऑफ रिस्क अवॉइडेबल ऐसी रिस्क जिसको आप डायवर्जिफिकेशन करके अवॉइड कर सकते हो दो टाइप की रिस्क होती थी एक होती थी सिस्टमैटिक और एक होती थी अनसिस्टमैटिक सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती थी सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता था मार्केट गिरेगा तो आप कितनी भी जगह पैसा लगा दो पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा तो सर अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एक कंपनी भाग सकती दूसरी कंपनी थोड़ी ना भागेगी तो सब जगह पैसा लगाओ जितना डाइवर्सिफिकेशन करोगे आपका रिस्क खत्म होगा और वो रिस्क का नाम है अनसिस्टमेटिक रिस्क तो आंसर जो करेक्ट है वो है सी और वो है अनसिस्टेमेटिक रिस्क डायवर मार्कोविट्ज़ थ्योरी है या अनसिस्टेमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफिकेशन से कम कर सकते हैं। गुड सर थ्योरी छोड़ो एक आ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यस और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको टाइम कितना देता हूं दो मिनट टाइम स्टार्ट हो रहा अब खुद से एक बार पढ़ोगे मैं नहीं बताने वाला नीरज का कहना आइसक्रीम वाला हाँ जी वो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर टाइम स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यार इसमें भी सी सिवासाई इसमें भी आंसर सी आ रहा कैसी बात कर रहे हो साई फोर्टीन पॉइंट फोर सी रिया गुप्ता सी शिल्पा बंसल सी 14.4 सबका आंसर सी है पॉइंट 14.4 गुड मतलब सर क्या जरूरत है टाइम की नहीं सर हमको और टाइम की जरूरत नहीं है सबका आंसर सी आ गया है, दो मिनट की बिल्कुल जरूरत नहीं है गुड सर एक बार देखे क्या हां देख लेते हैं पोर्टफोलियो दो सिक्योरिटी एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न है ट्वेल्व परसेंट और सिक्सटीन परसेंट ठीक है सर और फर्स्ट सिक्योरिटी में वेट पॉइंट फोर तो सर दूसरे में आएगा पॉइंट सिक्स यस yes. निशिता शुभ वाव सब वापस वही बच्चे आ गए आप कैलकुलेट करके देखिए आपसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक तो क्लास स्टार्ट हो आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहा है और जैसे ही स्टार्ट करे वैसे ही हम हाथ खड़े कर दें हम नहीं चाह रहे ठीक ओके सर अगला क्वेश्चन yes, अगला क्वेश्चन सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या मेरी बात समझो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन डाला है पूरा आपका ए एफ एम मॉड्यूल का उठाकर मैं एम सी क्यूज बना रहा हूं उन्हीं क्वेश्चन से जो क्वेश्चन दिए हुए बस मुझे क्या है टाइम ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं हाँ पक्का नरेश पार्टी सर कितने नंबर का आएगा अभी ये क्लियरिटी नहीं है हमारा काम है हम बिना सोचे समय काम ज्यादा से ज्यादा टाइम लूंगा नहीं एक घंटे के अंदर अंदर ही खत्म होगा ओके okay. दो मिनट का टाइम दिया हूँ दो मिनट का टाइम दिया हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स दो मिनट का टाइम है आपके पास आराम से पढ़ो सर तो आप पढ़ दोगे क्या मैं नहीं पढ़ूंगा यार पढ़ना तो आप ही कोई एग्जाम है मैं पढ़ता हूँ तो आसानी हो जाती है आपके लिए 138 परसेंट आया है शिवसाई का आंसर अमन गोयल आंसर है बी अच्छा बी 38 परसेंट भाई 38 परसेंट और 138 परसेंट पे फाइट चल रही है किसी का आंसर बी आ रहा है किसी का आंसर सी आ रहा है वेजंती सी दीपक सी होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी किसी ने फॉर्मुलर भी बता दिया कि सर ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न का है सर आंसर सी यस लगा कितना सर और डिस्कशन डिस्कशन की जरूरत नहीं सिंपल क्वेश्चन था ये वन थर्टी एट परसेंट फाइनल आंसर है यार ओके okay, सर कैसे भाई ट्वेंटी थ्री एट हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड इन टू हंड्रेड होल्डिंग पीरियड रिटर्न सर ये क्वेश्चन तो पोर्टफोलियो का होना चाहिए था गलती से यहां आ गया दिक्कत क्या है तो आंसर क्या आएगा आंसर आएगा सर इसका भी सी तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अब जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं सबका आंसर सी ही आ रहा है कैसी बात कर रहे हो अभी धीरे धीरे बात समझ में आएगी ठीक है सी फाइनल आंसर सी हाँ बिल्कुल सही विवेश ने तो कैलकुलेशन करके भी बता दिया उनका कहना मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूं अभिषेक गुप्ता कह सर म्यूचुअल फंड का है गलती हो गई भाई साहब गलती म्यूचुअल फंड का मैं यहां डाल दिया था सर okay, अब थियोरी वाला काम करें या सर एक क्वेश्चन थियोरी का चलो जल्दी बता दो सर ये सॉरी ये रिपीट है रिपीट है रिपीट है ये वाला क्वेश्चन सर ये वाला क्वेश्चन भी वैसे रिपीट ही है अब एक मिनट का टाइम है एक मिनट में आंसर चाहिए एक मिनट का टाइम है एक मिनट में आंसर चाहिए नीरज ए जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो टाइम जाते जा रहा है तीस सेकेंड बचा है बीस सेकेंड कोई है बी और सी पर फाइट चल रही है किशन बी वेदिका सी मुस्कान बी 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 अहो टाइम ओवर टाइम ओवर बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आया है एक बार देखिए कि क्या है सर कोवेरियंस दे रखा है स्टॉक और मार्केट के बीच में वो दे रखा है थर्टी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है और वेरिएंस दे रखा मार्केट का नाइनटीन पॉइंट वन फाइव वेरियंस तो सर बीटा निकालने का एक फार्मूला होता था आपको याद होगा तो सर कोवेरियंस एक्स और मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट होता था हाँ सर उस हिसाब से सर हमको थर्टी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइड करना है 19.15 से आंसर आ गया 1.75 तो आंसर क्या आया आंसर आया बी ओके डन ठीक है सर अगला क्वेश्चन देखें हाँ सर एक मिनट का टाइम एक बार पढ़ो क्वेश्चन और मुझे जवाब दो अब्दुल पी इसका जवाब चाहिए बी दी। देवसाई बी दी। नीरज ए ओहो ए और बी पर फाइट चल रही है भाई ए और बी पर फाइट पर चल रही ए या बी ए या बी बहुत सारे बच्चों का तो टाइम होगा आंसर है बी यस सीवी हाँ सर सीवी याद आ रहा है हमको सर सीवी का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यस तो यार एक परसेंट पर यूनिट पी, के पीछे पर यूनिट रिटर्न के पीछे कितना रिस्क सर तो ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन नहीं हो सकता अगर सिर्फ रिस्क की बात करता तो सोचते वो पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्ट रिटर्न बोला है यस तो सर पक्का भी है हाँ जी पक्का भी है एफिशियंट ऑफ वेरिएशन हाँ सर ये दो जगह आया था सर एक तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग में भी है बिल्कुल पर सबसे ज्यादा ये हमारा पोर्टफोलियो में सर दो मिनट का टाइम चाहिए इसमें तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है दो मिनट का टाइम दिया आप भी क्या याद रखोगे जितेंद्र जयसवाल जितेंद्र ये आंसर आप इसका दे रहे हो ना क्वेश्चन नंबर टेन का आपका आंसर सी है पर पता नहीं मुझे शक लग रहा है विवेश का से कहना सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कोरिलेशन को कोएफिशिएंट नहीं होता कोरिलेशन ही होता है विवेश में आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है 15.5% 15.5% 15.5% और इस वाओ 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 एक का भी अलग आंसर नहीं है सर ये हमारा के ही निकालना है और हम लोगों ने सीए इंटर में भी पढ़ रखा है के ही निकालना है तो इसका गलत कैसे हो सकता है वाह वाह बहुत सारे बच्चों का सी आंसर और सी ही होना था और मनीषा ने बता भी दिया सर सेवन प्लस ट्वेल्व माइनस सेवन इंटू वन पॉइंट सेवन ग्रेट सी इसको समझाने की मुझे मुझे नहीं लगता कि जरूरत है आंसर है फाइनल सी सी आएगा मुझे पता है सी आएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको सी फाइनल लेवल पे ये सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या भाई मेरा काम है मैं आपको सब कुछ करूंगा कौन सा आएगा वो नहीं मालूम आंसर सी है करेक्ट आंसर ओके सर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन एक मिनट का टाइम है अर्चना का कहना है कि सर ये क्वेश्चन हलवा है अभी आगे चलो ना अभी पता लगेगा आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर फटाफट से क्वेश्चन नंबर इलेवन वैजंती का आंसर है ए अमन गोयल ए ए ए ए सबका ए, ए सबका ए, सब ए, सब ए सर सबका ए ग्रेटर द बीटा ज्यादा बीटा है सर ज्यादा बीटा मतलब कौन सा रिस्क है मार्केट रिलेटेड तो सर इसको कौन सा रिस्क बोलते हैं सर बीटा ज्यादा है मतलब सर सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है ना ध्यान से बेटे कॉन्सेप्ट सबका आंसर ए तो आ गया पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया आपने ए क्यों जवाब दिया सर, बीटा ज्यादा है मतलब सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है और सिस्टमेटिक रिस्क मतलब अनअवॉइडेबल रिस्क यस बिल्कुल सही सर ग्यारह में से ग्यारह से ही आया मेरा हम्म अभी आगे चलोगे तो मजा आएगा ठीक है सर अभी धीरे धीरे एडवांस लेवल पे पहुंच रहा है अभी एक बार फ्लो बनेगा अभी मेरा काम क्या है मेरा काम है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं और सर इसके बाद तोड़ने का काम होगा है? ओके सर ये लो भाई दो मिनट का टाइम है और अब चलाओ दिमाग अब, अब लगेगा टाइम अब लगेगा टाइम मैं जानता हूं हाँ जी वो एमसीक्यूज भी आएगी आप टेंशन मत लीजिए अभी पहले आप बस मेरे साथ सत करती जाइए इसका आंसर चाहिए मुझे चलो चलाओ यार दिमाग टाइम कम बचा एक मिनट का टाइम बचा हुआ है आनंद डी अभी बी और डी में फाइट चल रही है बी आंसर है कि डी है पता नहीं एक मिनट का टाइम है अभी भी सोच लो अभी भी टाइम है यार महेश बी नीरस बी शार्प इंडेक्स मॉडल अभी आएगा शार्प इंडेक्स कोवेरियंस पूछा अच्छा शार्प इंडेक्स अच्छा सर वो सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला है हाँ वही वाला है ये वंस डी और बी दोनों में फाइट चल रही है डी आंसर सही है कि बी आंसर सही है पता नहीं कौन सा सही है भगवान कौन सा सही होगा बी या डी बहुत सारे बच्चों का दो आंसर है मेरे पास मेजोरिटी बी पर भी है डी पर भी है बी या डी सर देख ले क्या चलो देखते हैं सर दो स्टॉक का बीटा दिया हुआ है ठीक है और स्टैंडर्ड डेवी के बीच में आ जाता है सर दो स्टॉक का बीटा दिया हुआ है बिल्कुल और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का दिया हुआ है कोवेरियंस पूछ रहा है तो सर कोवेरियंस कैसे निकालते हैं सर कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू कोरिलेशन वो वाला तो लगेगा नहीं इसमें तो फिर एक फार्मूला हुआ करता था याद करो बीटा ए बीटा बी और वेरिएंस ऑफ मार्केट तो सर बीटा ए है 0.6 और बीटा बी है 1.25 और वेरिएंस क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे सर 15.75 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 15.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू इक्वल टू इंटू वन पॉइंट टू आंसर है बी आंसर आया है बी सर गलती क्या हो सकती है गलती हो सकती है कि आप वेरिएंस ना लेकर सिर्फ 15.75 लेते हैं गलती ये है हो सकती है हाँ सर, बस मतलब कुछ बच्चों का डी आंसर क्यों आया मुझे ये समझ में नहीं आया सर डी आंसर आने की वजह ये हो सकती है हाँ, ये गलती हो रही है अब समझ में आ रहा है कि आपसे क्या गलती हो सकती है एग्जाम में एग्जाम में आप इसको वेरिएंस ना लेकर सीधा फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव ले लोगे लो तो खेल खत्म हो जाएगा आप ये लिख कर आओगे जबकि आंसर ये है सर हाँ सर यही गलती हुई थी मुझे भी लग रहा है मुझे भी नहीं मालूम था मैंने तो देखा नहीं मैं अभी देख रहा हूं कि यार गलती कहां हुई बच्चों का आंसर ये क्यों आ रहा है कि? ठीक है जी अच्छा क्वेश्चन था सर अभी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी मजा आएगा शिल्पा आगे ओके सर ठीक है हम तैयार हैं ओके तैयार हो यस एक थ्योरी देख लें

क्या हो गया आप लोगों को आंसर चाहिए भाई आंसर 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 आंसर, आंसर। मुस्कान ए ठीक है जी विवेश सी सारिका सी वेदिका ट्रिकी क्वेश्चन है अच्छा बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा महेश अंकुर, किशन वाव सभी का सी है टाइम खत्म सर डिग्री ऑफ जब दो वेरिएबल एक साथ मूवमेंट होते सर वो तो कोरिलेशन होता है पर कोरिलेशन तो यहां दिया नहीं कोरिलेशन यही तो पढ़ा था अगर दोनों एक साथ अप हो रहे तो सर पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों एक साथ डाउन हो रहे तो सर नेगेटिव कोरिलेशन तो सर कोरिलेशन तो यहाँ दिया नहीं है यस yes, अगर कोरिलेशन दिया होता तो मैं सोचता यहां को वेरियंस अच्छा वेरी होते दो एक साथ यस yes, तो आंसर आ जाएगा हां लग रहा है विवेश लग नहीं रहा पक्का सी है ये ओके वेरियंस नहीं हो सकता वेरियंस तो एक ही का निकालते हम को वेरियंस का मतलब होता है दोनों का और यहां टू वेरिएबल की बात हो रही है टू वेरिएबल्स की बात हो रही है ठीक है आंसर फाइनल सी है सर ऐसा क्वेश्चन दो कि बिल्कुल मजा आ जाए हाँ अब दे दिया ना बेटे जवाब तो मेरी तरफ से पार्टी जिसने भी जवाब दिया मेरी तरफ से पार्टी सर फीस माफ चलो फीस माफ फीस रिफंड अब जवाब दे दो अब जवाब दे दो पीस रिफंड वाली बात कर रहा हूं मैं आप जवाब दे दो बस कैसे भी कुछ भी करो आंसर तुक्का मत लगाना का आंसर है बी सिर्फ सचिन का आंसर आया अभी तक बी सचिन हाँ, हाँ, अंकुर का कहना सर चार बच्चे अलग अलग आंसर देंगे एक का तो फीस माफ हो जाएगा आंसर चाहिए टाइम नहीं है भाई आप लोगों के पास अमन का आंसर है ए अमन पॉइंट नाइन टू टू आनंद ए नरेश पॉइंट फोर फाइव जीरो नीरज ए अधिकतर बच्चों का ए आंसर आ रहा है ए या बी अमन का कहना सर को एफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क बिल्कुल सही अमन सही बोल रहे हो आप वेदिका ए का असर नहीं आ रहा है ये तो हाँ मैंने कहा ना सारी का थोड़ा सा भी एडवांस लेवल चालू होगा सर टाइम खत्म ओके आओ देखें सर रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब क्या होता है और ये तो वेरिएंस शब्द दिया है ना हालांकि परसेंटेज स्क्वायर लिखा होना चाहिए था परसेंटेज स्क्वायर लिखा होना चाहिए था पर परसेंटेज स्क्वायर नहीं लिखता है इंस्टीट्यूट तो कोई दिक्कत नहीं हमको और सर बीटा दिया है 1.50 ठीक है और सर वेरिएंस दे रखा है मार्केट का ठीक है मतलब यार ये दिया है वेरिएंस सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है आर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है सिस्टेमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क ये मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया हूं फार्मूला ओके तो क्या सिस्टमैटिक रिस्क निकल सकता है यस सर सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्केट बिल्कुल क्या बीटा दिया हुआ है 1.50 स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ मार्केट भी दिया है क्या हाँ सर दिया था ना यार 125 इसको स्क्वायर मत कर देना तो उस हिसाब से सर सिस्टमैटिक रिस्क तो आ गया हमारा 1.5 125 तो सर सिस्टमेटिक रिस्क आ गया टू एटी वन पॉइंट टू फाइव टू एटी वन पॉइंट टू फाइव ठीक है और सर टोटल रिस्क तो सर ऊपर तो आ गया टू एटी वन पॉइंट टू फाइव तो टोटल रिस्क कैसे आएगा बेटे सिस्टमेटिक रिस्क में अगर हम अनसिस्टेमैटिक रिस्क भी जोड़ दें तो सर टोटल रिस्क आ जाएगा प्लस ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो सर ये आ गया थ्री जीरो फाइव अब भगवान से प्रार्थना करते एक ना एक आंसर तो आ जाए हमें तो सर टू एटी वन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय तीन सौ पांच पॉइंट नाइन टू टू आंसर आ रहा है ए सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था हाँ मैं जानता हूं ना अभी तो स्टार्ट हो रहा है शुरू में मैंने कहा ना जोश आएगा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन ठीक है तो ए करेक्ट है और ये क्वेश्चन वाकई जान लेने वाला क्वेश्चन था बेहतरीन क्वेश्चन ठीक है सर आगे चले सर हाँ सर आगे चलते थियरी क्वेश्चन है तो एक मिनट का टाइम है आपके पास थियरी क्वेश्चन के लिए अभिषेक का कहना सर एक क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं अभिषेक चलता है इतना <laughs> एक मिनट का टाइम है आंसर चाहिए फटाफट से वेजंती बी 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 बीटा सर एक बात बताए आपको कॉन्सेप्ट तो हमारे बहुत अच्छे हुए इसलिए तो हमसे थ्योरी बड़े आसानी से बन जाता है बस न्यूमेरिकल में यार थोड़ा आ जाता सर कैलकुलेटर का इश्यू थोड़ा समझने में बाकी आंसर तो थ्योरी का तो बिल्कुल अच्छे से पता है यस फाइनल आंसर है बी क्या इसमें मुझे और टाइम की जरूरत है नहीं सर टाइम की और जरूरत नहीं है फाइनल आंसर है बी ग्रेट हाँ ये तो इजी था आपको क्या लग रहा है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल हो गए नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं है कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे कुछ 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 क्वेश्चन मुश्किल भी होंगे हाँ जी फाइनल आंसर बी है बी है ठीक है सर सर अब अब मुश्किल क्वेश्चन हम तैयार हैं मुश्किल क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं ठीक है सर तो दो मिनट का टाइम चाहिए लेकिन अब पता नहीं मुझे कौन सा क्वेश्चन है अगला अरे यार ये तो क्वेश्चन और भी आसान है एक ही मिनट का टाइम है चलो जी आंसर चाहिए कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को और किस नाम से बोलते हैं सर ये एडियोस सिंप्रेक्टिक सिंट्रे, रिस्क क्या चीज मुझे भी नहीं मालूम मैं भी पहली बार सुन रहा हूं डियोसिनक्रेटिक रिस्क पता नहीं पर थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा यार ऐसा शब्द आ गया तो आप टेंशन मत लो यार थोड़ा तो दिमाग चला लो सर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहा है बिल्कुल अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहा है तो वो तो मार्केट रिस्क तो हो नहीं सकती बिल्कुल सही सर वो सिस्टेमेटिक कैसी होगी कंपनी स्पेसिफिक सिस्टेमेटिक हो ही नहीं सकती सिस्टेमेटिक कौन सी होती है सर जो मार्केट रिलेटेड है ओके okay, सर सर नॉन डाइवर्जिफाई रिस्क सर ऐसे रिस्क जिसको डाइवर्जिफाई नहीं कर सकते जिसको आप डाइवर्जिफाई नहीं कर सकते वो कौन से रिस्क होती है जिसको हम डाइवर्जिफाई नहीं कर सकते वो कौन सी रिस्क होती है सर वो सिस्टमैटिक रिस्क होती है तो सर ये तीनों रिस्क तो yes. सिस्टमैटिक है तो मत रहने दो तो सर रिस्क कौन सी होगी यही तो होगी फिर आंसर सी किस हिसाब से होगा आकाश ऐसी रिस्क जो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते वो सिस्टमैटिक रिस्क होती है. अनसिस्टमैटिक रिस्क है जिसको आप डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हो डाइवर्जिफाइबल रिस्क को हम आप बोलते हो सिस्टम अनसिस्टमैटिक रिस्क ठीक है ठीक है सर तो आंसर है डी सर ये नाम याद रखेंगे हाँ ये सर किसी और किताब से उठाया है कि यस ठीक अगला क्वेश्चन इसमें भी मैंने आपको एक मिनट का टाइम दिया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आंसर चाहिए जल्दी से मैं फिर से बोल रहा हूँ एक घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं लूंगा हाँ थियरी क्वेश्चन है तो गूगल कर सकते हो ऐसी रिस्क जो पूरे मार्केट को मेजर करती है सर तो ठीक है वो कितना होता है विकास ए ए ए ए ए ए वाओ। ये वाला सबका सही था हाँ सर सही सही था ना यार क्यों नहीं होगा सर सर डी है पक्का डी क्यों होगा सर मार्केट रिस्क मार्केट बेटे बात समझने की कोशिश करो आप क्या कर रहे हो मार्केट गिरेगा तो स्टॉक कितने से गिरेगा हम मार्केट का कंपैरिजन सब स्टॉक से करते तो मार्केट को हम बन लेते सॉरी मैं कॉन्सेप्ट समझाने में चला जाता हूं अब खुद समझने की कोशिश करो हम पूरा बीटा बीटा समझ रहे हो ना हाँ सर वो बीटा की बात कर रहा है बीटा तो लिखा है और हम सब बीटा मार्केट का बीटा वन होता है ना सर ज्यादा कहानी क्यों बता रहे हो हमको सबको बता मार्केट का बीटा वन है ता? आंसर आएगा ए आंसर आएगा ए अच्छा ग्रेटर देन सर ये पूरा नहीं है वन था यार बी डी सही नहीं है सर ये तो आईसीएआई की गलती है होगी इस टाइप की तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैं नहीं जानता दोस्तों आंसर ए है सर और एक थियोरी बस इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट गए क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर पंद्रह मिनट बचा हुआ पंद्रह मिनट में खत्म कर रहे हैं हम सारे कुछ क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर आंसर सी 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 अह डी और सी में फाइट फिर से चालू हो गई मैं तो पहले ही बोला कि मेरे अधिकतर एमसीक्यूज के आंसर सी ही आ रहा है आप तो कभी लगा सकते थे वो <laughs> सॉरी oh, तो टाइम आपने स्टार्ट नहीं किया कोई बात नहीं टाइम खत्म हो गया अब अनसिस्टमैटिक रिस्क किस वजह से हो सकती कोई कंपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क किस वजह से होगी सर चेंज इन इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से पूरे मार्केट पे फर्क पड़ेगा भाई सारी कंपनियों पे फर्क पड़ेगा सर पॉपुलेशन के बढ़ने से उसमें भी फर्क पड़ेगा पर सब कंपनी पे पड़ेगा सर एम्प्लॉ का स्ट्राइक है तो हो सकता है और उस कंपनी में इन द कंपनी लिखा हुआ है ओके okay, ओके okay, तो आंसर सर सी आएगा हाँ जी आंसर सी आएगा ठीक आंसर सी आएगा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से उस पर्टिकुलर कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता है सब पूरे मार्केट पे फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है आंसर सी आएगा ओके okay, सर अगला क्वेश्चन चल रहा है सर तो ये भी थियोरी है क्या यस ये टाइम पास है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नहीं करवा रहा हूं टाइम पास है. अब भाई दो मिनट का टाइम दो सर हाँ अब है दो मिनट का टाइम मैं शांत हो चुका हूँ पढ़ो क्वेश्चन करो क्वेश्चन और आंसर आपके सामने दो मिनट का टाइम है आपके पास पॉइंट सेवन सेवन टू नाइन अमन का आंसर है राहुल सी है दीपक का आंसर भी सी है सीमा मलिक सी आंसर है अच्छा ये सी किसका दे रहे हो इसकी बात करो मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ जाओ ट्वेंटी का आंसर चाहिए ट्वेंटी का आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर टाइम जा रहा है एक मिनट का टाइम मोनिका शी सिद्धार्थ श्री कीर्तिशी पॉइंट सेवन सेवन टू नाइन सिद्धार्थ चौधरी पॉइंट सेवन सेवन टू नाइन नरेश सी और बहुत सारा सी ठीक है हाँ सिद्धार्थ ने एक्सप्लेनेशन भी दिया ओके। तो भाई बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सी अब बस वही मुझे देखना है कि सी सही है कि नहीं है थोड़ा हिंट मिलेगा क्या ये पोर्टफोलियो है ये वेट दे रखा है ट्रेजरी बिल का बीटा जीरो होता है ओके, और इंडेक्स फंड मतलब मार्केट का बीटा होता है वान. मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जा रही होगी आपको अब आंसर दे सकते हो सर आंसर आ रहा है सी आंसर है सी ओ हो टाइम खत्म ठीक है सर मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करना है इसको या नहीं करना है नहीं जरूरत नहीं है पर फिर भी देख लो वेट इनटू बीटा इसका तो सर ये वेटेड एवरेज आएगा और वेटेड एवरेज सही है सर ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा हाँ जी रहेगा सभी बच्चों का आंसर सही है ग्रेट भाई ये क्वेश्चन तो बेहतरीन क्वेश्चन है यार सर टाइम दे रहा है दो मिनट का टाइम दे रहा हूं ट्वेंटी वन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट होता है अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ध्यान से पढ़ना प्लीज दो मिनट बहुत होते हैं अमन का आंसर है टू पॉइंट टू फाइव अमन का आंसर है टू पॉइंट टू फाइव अमन गोयल का आंसर और कोई है उनका आंसर है बी अमन का कहना है सर बी आंसर और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ठीक है बाकी बच्चों का भी वेट कर रहा हूँ मैं बस और कोई नहीं है आप में से क्या हो गया आप लोगों को शिवसाई बी सीमा मलिक बी निधि बी नितेश बी राजीव भट्ट बी आकाश बी सिद्धार्थ वाव सर ये क्लास डेली होगी कि मेरी कोशिश है डेली होगी अगर आपके पास टाइम है आधा एक घंटा अगर हम डेली निकालें ना तो बहुत कुछ कर डालेंगे आधा घंटे में वे पोर्टफोलियो खत्म ही हो जाएगा तीस क्वेश्चन अभी डाला है बाकी और डिस्कस करेंगे पर यार देखो सुनो ना यार इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा तो टाइम खत्म हो गया अब जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ ध्यान से समझ रहा हूँ मुझे पहला क्या लगा सुनो सुनो ध्यान से पहला क्या लगा सर इन्वेस्टर्स जो है उसके पास पोर्टफोलियो इक्वली इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री और टू स्टॉक्स तो मुझे क्या लगा इस क्वेश्चन को पढ़ने से कि सर रिस्क फ्री में और दो स्टॉक्स में इक्वल इक्वल पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि सर रिस्क फ्री में हम पॉइंट फाइव लगा रहे हैं और दो स्टॉक्स में पॉइंट फाइव लगा रहे हैं मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मुझे क्या लगा ओके okay, सर तो सर इसमें लगा रहे इसमें पॉइंट फाइव लगा रहे ठीक है सर बात समझ में आती है ओके इफ वन ऑफ द स्टॉक और एक स्टॉक का बीटा दिया है पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो एंड द पोर्टफोलियो एज रिस्की एज द मार्केट द बीटा ऑफ स्टॉक इन पोर्टफोलियो तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें पॉइंट तो उससे मेरा इक्वेशन बन नहीं रहा था यस सौरभ का कहना सर गलत एजेंशन है आपके भाई मैंने मैंने अपने हिसाब से सोचा ना मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूं आप लोगों की तरह तो मैं क्या किया ये गलत हो गया था फिर मैंने क्या किया कि यार रिस्क फ्री में और टू स्टॉक्स में सब में इक्वल, इक्वल इक्वल पैसा इक्वल इक्वल तो फिर मेरे माइंड में आया क्योंकि मेरा आंसर आ नहीं रहा था तो फिर मैंने इसको वन थर्ड किया और दो स्टॉक है तो एक का वन थर्ड है और एक का वन थर्ड है मतलब सर पॉइंट थ्री थ्री ले सकते हैं क्या यस पॉइंट थ्री थ्री ले सकते हैं अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो का बीटा क्या है पोर्टफोलियो इज एज रिस्की एज द मार्केट सर ये क्या कहना चाहता है, ये ये कहना चाहता है कि पोर्टफोलियो का बीटा क्या है क्या रखना है वन रखना है तो वन लिखा और सर एक स्टॉक का बीटा दिया हुआ है यस पॉइंट सेवन फाइव और सर उसका वेट क्या है पॉइंट थ्री थ्री या वन बाय थ्री कर सकते हो सर दूसरे स्टॉक का वेट कितना है उसका बीटा कितना x और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे पॉइंट थ्री थ्री और सर रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है जीरो इन टू पॉइंट थ्री थ्री इसको तो उड़ा ही देते हैं तो तो फिर क्या होगा पॉइंट सेवन फाइव क्या होगा पॉइंट थ्री थ्री माइनस वन अब जो भी आया है डिवाइड किससे करेंगे तो सर टू पॉइंट टू एट के आसपास ये पूरा लोग है इसको वन थर्ड ले लेंगे कि सर अब वन थर्ड ही लेना पड़ेगा तभी आंसर आएगा अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो पर अप्रोक्सीमेट चल जाता है ओके सर तो पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन और जो भी आया उसको थ्री से मल्टीप्लाई आंसर टू पॉइंट टू फाइव आ रहा है टू पॉइंट टू एट आ रहा है अब यार टू पॉइंट टू एट भी लेते तो किसके ज्यादा करीब है सर इसी के ज्यादा यही आंसर होना पर यार कुछ बच्चों को यार नहीं सर हमको एक्यूरेसी चाहिए एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको वन थर्ड लेना पड़ेगा बस इतना है एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको वन थर्ड लेना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है भाई कोई बताएगा आंसर क्या आया था हमारा सुपर्णा का आंसर डी आ रहा है सर so, डाउट के लिए आपसे वापस बात कर सकते हैं कि हाँ जी नहीं आप बात कर सकते हो ओके आंसर टू पॉइंट टू फाइव पक्का है ना यार मेरे ख्याल से आपका मैथ्स ज्यादा अच्छा है मुझसे आंसर टू ही आ रहा होगा तो फिर से देख लो एक बार पॉइंट सेवन माइनस वन इंटू थ्री हाँ टू पॉइंट टू फाइव फाइनल आंसर है यार ठीक ओके तो टाइम क्या हो गया दस मिनट बचा हुआ मेरे पास दस मिनट में मैं क्लास ओवर करूंगा चाहे जितने भी क्वेश्चन क्यों है? इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ आप बना लेना जो क्वेश्चन और बात करेंगे इस मैटर पे टू पॉइंट टू फाइव करेक्ट आंसर है टू पॉइंट टू फाइव ओके सर दैट्स इट सर अगले क्वेश्चन पे चले क्या हाँ सर सर बेहतरीन क्वेश्चन बता दो मजा आ जाएगा यस आज ओहो सर टाइम दीजिए टाइम दीजिए टाइम दीजिए टाइम टाइम दे रहा हूं ना यार सर जगह कहाँ है टाइम की यहां रख इसको तो यहां से हटाना पड़ेगा तभी दिखे हम्म पढ़िए क्वेश्चन को आर क्या होता है आर होता है कोरिलेशन अमन गोयल बी आंसर मार्कोविड्स भाई साहब है मार्कोविड्स भूल गए हो मार्कोविड्स कुछ कहता था हाँ सर मार्कोविड्स बहुत बड़ी-बड़ी बात कहता था किसी बच्चे ने मुझे बोला था सर आई ओहो टाइम हो गया है क्या सॉरी किसी बच्चे ने मुझे बताया था सर मार्कोविड्स भाई साहब आइसक्रीम और वो उलन क्लॉथ वाला हाँ सर अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या डाइवर्सिफिकेशन क्या करोगे डाइवर्सिफिकेशन करके ओके okay. सर अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो फुल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं ना पोर्टफोलियो अगर सर कोरिलेशन जीरो है मतलब आइडियल सिचुएशन ऑफ जीरो रिस्क जीरो रिस्क मुझे अब यार इनमें से सेलेक्ट करना है आर इंडिपेंडेंट नहीं आर के बेसिस पे ही तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते इट मीनस ये और ये तो मुझे नहीं लग रहा अब अच्छा दो दो में से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है सर ज्यादा सही बी लग रहा है आपका अलग ओपिनियन हो सकता है ज्यादा सही बी है परफेक्ट नेगेटिव है ओके दो मिनट का टाइम चाहिए है ना बड़ा दिख रहा है यस इसी जमाने में मैंने मार्कोविट्स पढ़ाते वक्त लास्ट में एफिशिएंट पोर्टफोलियो पढ़ाया था ऐसी सिक्योरिटी जिसको इन एफिशियंट को हटा दो और बचा हुआ एफिशियंट काटने वाला है ना सर ये हाँ काटने वाला है हम काट देते थे याद करो बताओ एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा है महेश का आंसर है सर ए याद है कि नहीं है भाई एफिशिएंट एफिशिएंट सिक्योरिटीज एफिशिएंट पोर्टफोलियो चाहिए मुझे सौरभ यू डब्ल्यू आई सौरभ का कहना सर सी सौरभ सुमन अभिषेक गुप्ता सी दो तो मिनट का वो कहाँ गया मेरा टाइम ये है सर आपकी घड़ी टाइम है टाइम है टाइम है, है अभी एक मिनट का टाइम है अंकुर का आंसर है बी सी 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 मनीषा डी एफिशिएंट पोर्टफोलियो याद करो एफिशिएंट होता था ऑप्टिमल होता था पहले एफिशिएंट स्टॉक निकालते थे रिया सी ओके फाइनल आंसर सी छब्बीस सेकंड, पच्चीस चौबीस फटाफट से सबका आंसर सी गुड सर डिस्कस करी दो जब हो गया अब तो टाइम चित्रा डी कैसे आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है आज ही चलो देखते हैं टाइम ओवर 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 हो जाने देता हूँ एक बार वाओ डी डी संगीता जैन सी आंसर है यहां थोड़ा सा दिक्कत तो टाइम खत्म ओके डिस्कस करते हैं ये ये भी है, ये भी रिटर्न रिटर्न है दस परसेंट पर इसमें रिस्क है पांच इसमें तो क्यों ले तो ओके इसको क्यों खरीदेंगे और दस सर ये भी दिख रहा है तो सर वो भी क्यों ले जेड भी कट ठीक है सर जेड भी कट हो गया अब यार ये पांच पे दस मिल रहा और पांच पे पांच मिल रहा तो ये भी क्यों ले ठीक है और आश्चर्य की बात है आंसर जो है उसमें तीन स्टॉक है तो तीन कौन कौन सा बचा फिर सर यू बचा और डब्ल्यू बचा और वाई बचा तो आंसर आ रहा है सी और बहुत सारे बच्चों का आंसर सी ही आया था बस गुड 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 ओके सर आंसर जो आ रहा है वो आंसर है सी सी आंसर फाइनल है बस बहुत हो गया भाई और आपको विस्तर क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो अगर मैं कहूँ मैं क्वेश्चन कहाँ से ले रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से ले रहा हूँ क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक में है हमारी बुक में क्वेश्चन है सर ये आईसीए का क्वेश्चन है हाँ जी अगर मैं कहूँ मैं आगे भी जाऊंगा तो क्या आईसीए का क्वेश्चन है हाँ जी मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन बाहर से ले रहा हूँ कुछ क्वेश्चन स्टडी मैट से ही उठाया कंप्लीटली बट अभी मुझे पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ और अभी हमारा क्वेश्चन कहां तक कंप्लीट हुआ ट्वेंटी फोर तक अगर आपकी परमिशन होगी तो कल हम फिर से लाइव आ जाएंगे अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम खुद बना लेंगे आप पीडीएफ देते जाइए हम खुद बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे करोगे तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है आज मैं थोड़ा सा मजबूर हूं मुझे क्लास अभी ओवर करना पड़ेगा पीडीएफ दिया हूं चाहो तो आपको खुद से कर लेना सर जून सत्रह कहाँ से उठा लिया था आपने अभिषेक गुप्ता उसे इग्नोर कर दीजिए मैंने कहीं और सीएमए का क्वेश्चन आपको उठा कर दे दिया था वो वाला क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते ठीक है ओके okay, सर पच्चीस तक करवा दीजिए सौरभ सुमन एक्चुअली पच्चीस व ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है इसमें टाइम लग जाएगा तो कोई बात नहीं ना चौबीस तक तो हम कर ही चुके हैं ठीक है बाकी हम आगे के देख लेंगे छह क्वेश्चन तो बचे इसके बाद तो अगर आप बोलोगे तो मैं डेली लाइव आ सकता हूं पर वो ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है आपके पास टाइम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम हाँ एक बात और है कि पोर्टफोलियो का रिवीजन होते रहे पोर्टफोलियो जो भी चैप्टर रिवीजन होते रहेगा ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं हो रहा है रिवीजन हो रहा है चीजें आपको याद आ रही है सर तो लाइव ही करेंगे थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था आप लोग मिलोगे कि नहीं मिलोगे लाइव में पर मजा आया थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट बचा हुआ क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ओके बाय थैंक यू